ड्राइंग ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा व उनकी धर्मपत्नी कुलदीप कौर होरा को शादी की सालगिरह की बधाइयां प्रदेश भर के लोगों ने दी। इस मौके पर समाज सेवी राजकुमार और कुबेर राठी ने सपरिवार चेयरमैन होरा के निवास स्थान जाकर उन्हें ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और उनकी धर्मपत्नी कुलदीप कौर होरा की शादी की सालगिरह पर दिन भर शुभचिंतकों के बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ग्रैंड विजन के दफ्तर में सभी कर्मियों के बीच केक काटा गया। सालगिरह के मौके पर समाज सेवी राजकुमार राठी और कुबेर राठी ने सपरिवार चेयरमैन होरा के देवेंद्र नगर स्थित निवास जाकर उन्हें सालगिरह की बधाई दी। आतिशबाजी करने के बाद सालगिरह का केक भी काटा गया। इस मौके पर समाज सेवी राजकुमार मंजू राठी कविता राठी ने कहा कि गुरुचरण सिंह होरा हमेशा से ही खिलाड़ियों के उत्थान से लेकर समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। वे जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। उनके दरवाजे पर जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। उनकी दरियादिली के कारण ही उनकी अलग पहचान है। भैया और भाभी की आज 37वीं सालगिरह है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ऐसे ही वो जीवन में खुश रहें और दीर्घायु हैं और हमको इनका आशीर्वाद मिलता रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने अपने जीवन के 36 साल हंसी खुशी दोनों ने एक साथ बिताए, वैसे भी आगे आप दोनों का दाम्पत्य जीवन खूब खुशियों से भरा रहे और आपकी जोड़ी एकदम मस्त रहे, खूब सलामत रहो आप दोनों और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आज हम सबके सम्माननीय आदरणीय गुरुचरण होरा जी और भाभी जी की विवाह की वर्षगांठ है, हम लोगों के लिए बड़ा सुखद विजय है। गुरुचरण भैया को मैं देखता हूँ लगातार क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे लाने की बात हो, तो संभागी क्रिकेट समिति के भैया अध्यक्ष भी रहे, यूनियन क्लब के अध्यक्ष रहे, समाज के साथ साथ मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में जो समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है जिसको मैं समझता हूँ आज सहायता की आवश्यकता है। लगातार गुरुचरण भैया पूरे साथियों के साथ पूरी टीम के साथ ऐसे व्यक्तियों को मदद करते हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को सामने लाते हैं और हमेशा समाज के कार्यों में सक्रिय रहते हैं। मैं ऐसे हमारे सबके सम्मानी गुरुचरण होरा जी की विवाह की वर्षगांठ पर उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि भैया का ये जो आगे का जीवन है काफ़ी उजाला में हो और साथ ही वो जो मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में समाज की सेवा करने का काम, समाज के अंतिम पंक्ति की अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का काम कर रहे हैं वो और अधिक सक्रियता से बढ़ेगा। भैया का पूरे प्रदेश में संपर्क है और संपर्क ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि गुरुचरण भैया के पास दरवाजे पर कोई व्यक्ति किसी विषय को लेकर आता है, किसी आशा को लेकर जाता है और इस दरवाजे से मैं किसी को निराश होते जाते हुए नहीं देखा। ये भी मैं समझता हूँ हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि ऐसा व्यक्ति हम सबका बड़ा भाई है।